गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डिफरेंस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी रुकावट्स हमारे द्वारा नहीं दिया जा रहा है आपको। स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th में चल रहा है और बात करते हैं हम चैप्टर्स में हमारा फॉरेस्ट के बारे में। मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिया था, आज हम उससे आगे एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक है, आइए बुक में से रीड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक 12.4 टॉपिक नंबर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम वनों में पाए जाने वाले वन्य जीवों की बात करेंगे। आखिरकार वन में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। आखिरकार उन पर कैसे खतरे भी आ रहे हैं, किस प्रकार से उनको हम बचा सकें, हम इन सभी टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए आप लोग अपनी बुक को ओपन करिएगा और मैं रीड कर रहा हूँ बुक को, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव का संरक्षण। इन जनरल द टर्म वाइल्ड एनिमल्स आर यूज फॉर द दोज डैट लाइव इन नेचुरल हैबिट लाइक एलिफेंट, लॉयन, राइनासोर्स, डियर इटीसी, बट द टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ इज वाइडली यूज फॉर ऑल द स्पाइसेज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन नेचर। सामान्य अर्थ में वन्य जीव उन वन्य जंतुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए प्रयुक्त होता है जो प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, जैसे हाथी, शेर, गेंडा, हिरण आदि, जो जंगलों में रहते हैं, प्राकृतिक नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको ही हम वन्य जीव बोलते हैं। किंतु व्यापक रूप से वन्य जीव प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधे और जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। इंडिया इज ए कंट्री विच इज एंडाउडेड विथ रिलीजियस, कल्चरल, पॉलिटिकल, क्लाइमेट, लैंड डाइवर्सिटी एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जो धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जलवायु, भूमि एवं जैव विविधता संपन्न है। यहाँ पर हर चीज़ में वैरायटी आपको देखने को मिल जाती है, चाहे धार्मिक रूप से देखा जाए, जलवायु रूप से देखा जाए, राजनीतिक रूप से देखा जाए, लैंड के हिसाब से देखा जाए, हर रूप से डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर मिल जाती है, वेराइटी मिल जाएगी। इट इज़ रिमार्केबल दैट द लैंड ऑफ आवर कंट्री हैज ओनली 2.4% दैट द टोटल एरिया द वर्ल्ड्स वेयर एस 8.1% ऑफ द वर्ल्ड टोटल बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन आवर कंट्री। ओवरऑल इन इंडिया 500 मेमल्स, 12,000 एप्स, 220 स्नैक्स, 150 लिजार्स, 30 टोर्टोइस, 30 क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर, 105 फ्रेश वाटर फिशेस एंड थाउजेंड्स ऑफ इनवर्टिब्रेट स्पाइसेस आर फाउंड। बात करें, उल्लेखनीय है कि हमारे देश में कि भूमि का क्षेत्रफल, संसार की भूमि का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। हमारे पास जो लैंड है ना, पूरे वर्ल्ड के लैंड का 2.4% ही है, पर विश्व की जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी, वो हमारे 8.1% है टोटल वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी से। तो इस बात से हमारे पास लैंड कम होने के बावजूद भी जैव विविधता हमारे यहाँ वर्ल्ड से ज़्यादा पाई जाती है। भारत में मिलाकर स्तनधारियों की 500, पक्षियों की 1200, सांपों की, सर्पों की 220, छिपकलियों की 150, कछुओं की 30, मगरमच्छ, घड़ियाल की 30, उभयचरों की 142, अलवणीय जल मछलियों की 105 प्रजातियां एवं अकशेरुकी जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती है। कई सारी डाइवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। बट एट प्रेजेंट देयर हैज बीन सच ए कॉज क्रिएटेड बाई ह्यूमंस डेट द एक्साइटेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज एंडिंग। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस देर आर ऑल्सो सम नेचुरल रीजन ड्यू टू विच द लाइफ इज बींग इनडेंजर्ड। किंतु वर्तमान में मानव के द्वारा ऐसे कई कारण उत्पन्न कर दिए गए हैं जिससे इन जीवों को अस्तित्व समाप्त हो गया है या खतरे में आ गया है। मानव के अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक कारण भी है जिसके कारण ये वन्यजीव संकटग्रस्त हो रहे हैं। यानी प्रेजेंट टाइम में कुछ हमारे द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे इन वन्य जीवों पर खतरा हो रहा है, या कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण बन चुके हैं।
तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन जीवों का विलुप्त होने के कारण कौन कौन से। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके रीजंस को जानेंगे आखिरकार क्या रीजन है कि वाइल्ड लाइफ एक्साइटेंट होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना तक काफ़ी है, वीडियो पूरा देखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।